नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के 74वें जन्मदिन के मौके पर आज बिहार की राजनीति में एक नया रंग देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इस वक्त जीतन राम मांझी के आवास में मौजूद हैं। जी हाँ, इस वक्त बंद कमरे के अंदर मीटिंग चल रही है। हालांकि ये जो मीटिंग है वो पहले से अनुमानित नहीं थी, ये अचानक इसका फैसला लिया गया और तेज प्रताप यादव जीतन राम मांझी के आवास जा पहुंचे। हालांकि इसके पहले जब वो राजद कार्यालय में मौजूद थे उस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि अगर जीतन राम मांझी आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के मौके पर आज बिहार की पॉलिटिक्स से नया रंग लेती दिख रही है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अचानक से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास पहुंचे हैं। तेज प्रताप यादव और जीतन राम मांझी का आवास एक ही सड़क पर है, लेकिन आज अचानक से तेज प्रताप यादव मांझी से मिलने पहुंचे और दोनों के बीच बंद कमरे में मुलाकात हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास से पहुंचने के पहले तेज प्रताप यादव आरजेडी कार्यालय गए थे। आरजेडी कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। यहां छात्र आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने लालू यादव के जन्मदिन के मौके पर ब्लड डोनेट किया। तेज प्रताप यादव ने यहां मीडिया से बातचीत में कहा था कि जीतन राम मांझी अगर आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। तेज प्रताप ने कहा था कि अगर मांझी जी का मन डोल रहा है तो दरवाजा खुला है, वह आ जाए। जीतन राम मांझी को लेकर तेज प्रताप यादव आरजेडी कार्यालय में जब यह बयान दे रहे थे तो शायद ही किसी को अंदाजा था कि वहां से निकलकर लालू यादव के बड़े बेटे मांझी के आवास पहुंच जाएंगे। मांझी आवास जाने का उनका कार्यक्रम गाड़ी में बैठने के बाद बना। तेज प्रताप यादव के करीबी सूत्रों के मुताबिक अचानक उन्होंने जीतन राम मांझी को फोन किया और जानकारी ली। जब तेज प्रताप यादव इस बात पर कन्फर्म हो गए कि मांझी अपने पटना आवास पर हैं तो उन्होंने सीधे उनके आवास का रुख कर लिया। दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत को लेकर अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो मुलाकात है वो बंद कमरे के अंदर हो रही है, इस वजह से अभी तक कुछ बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है कि किस मुद्दे पर आखिर मुलाकात हो रही है। कोई भी जानकारी निकलकर अभी तक सामने नहीं आई है। तो ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मांझी जी का मन डोल रहा है तो यहाँ दरवाजा खुला आ जाए मांझी जी।